गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट है साइंस। उसमें चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। आगे टॉपिक है हमारा सोइंग। सोइंग क्या होता है कि सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। सोइंग एक ऐसा मींस है कि जो हम फार्मर्स बीज बोते हैं तो उस बीज की कलेक्शन करना, लेने कि जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है और हमें कंफर्ट होता है वैसा। तो सोइंग एक ऐसी चीज है जो फार्मर खरीदने के लिए जाता है। तो वो सोइंग मींस क्या कि सीड्स जो होते हैं उसके बीज होते हैं वो बाय करने के लिए जाना। तो यहाँ पे दिखाया है कि सोइंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट, सोइंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, फार्मिंग का। अ क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर सोइंग, सोइंग के बाद ही क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है, क्योंकि हमारे सीड्स जो होते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद ही हमें मिल जाता है। गुड क्वालिटीज के सीड्स हमें पसंद करने चाहिए। क्लीन एंड हेल्दी, क्लीन और हेल्दी मींस के साफ सुथरे, और हेल्दी मींस उसमें कोई सड़ा हुआ बीज होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऐसा बीज हम बोते हैं फार्म में खेत में तो फिर उसका जो पौधा है ना वो वैसे ही कम हेल्दी होता है। इसलिए सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी, और उसकी वैरायटी होती है वो गुड होनी चाहिए। आज सिलेक्टेड फार्मर्स प्रिफेयर टू यूज सीड व्हेन वी ग्रो हेल्दी। फार्मर्स होते हैं ना वो प्रिफर करते, पसंद करते, क्यों? अच्छे वाले सीड्स खरीदने से ही उसकी जो पार्क है, उसका जो फार्मिंग में जो उसने क्रॉप बोया है उसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से ही डिसाइडेड होती है। हम अगर सस्ते बीज बोते हैं तो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में हमें प्रोडक्शन मिलता है, और अच्छी क्वालिटी के सीड्स पसंद करने से हमें ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसमें है पार्ट एक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कैसे पसंद किया जाता। आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो, आपकी मम्मी को साथ ले जाते हो, अगर कपड़े की शॉपिंग करते हो तो भाई आप देखते हो कि कौन सा कपड़ा कंफर्टेबल है। कॉटन के गर्मी में जाते हो तो कॉटन के क्लोथ्स लेना पसंद करते हो। वैसे आर देयर सीड व्हेन द फ्लड एंड वाटर वुड दोस बी लाइटर एंड हैवर द दोस व्हिच स्निक। अगर हम सीड्स को पसंद करने जाते हैं और पसंदगी के दौरान हम लोग लाके जमीन में बोते तो पानी डालने से अगर वो पौधा बड़ा होता है तो हमारे पसंद किए गए सीड्स अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं हमें। Why don't we grow be lighter and damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water। अगर हम अच्छी क्वालिटी के बीज पसंद नहीं करते, हमारे जो बीज से थोड़े बहुत डैमेज हुए या फिर थोड़े से सड़े हुए होते हैं या फिर उसमें जो दवाई होती है वो कम मात्रा में डली हुई होती है तो हमें डैमेज, हमारे जो क्रॉप है उसको डैमेज कर देते हैं। इसलिए ये इनहेल्थी हमें प्लांट्स देते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो कम मात्रा में होती है और हमारे जो फार्मिंग की जो मेहनत है ना वो सारी वेस्ट चली जाती है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर शिपिंग गुड्स हेल्थी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। अगर